आज मैं मूली के पत्ते का रेसिपी बनाऊंगी। बहुत से भाई बहन होते हैं कि मूली तो इस्तेमाल में ले आते हैं सलाद या सब्जी में, लेकिन पत्ते को फेंक देते हैं। आज इन्हीं पत्तों को लेकर हम एक रेसिपी तैयार करेंगे। अच्छे अच्छे पत्ते चुन लेंगे और जो कीड़ा खाया हुआ पत्ता उसे फेंक देंगे। और सबसे पहले इस पत्ता को अच्छी तरह से धो लेंगे और धोने के बाद इसे बारीक काटेंगे। पहले तो चुन लेंगे अच्छे अच्छे पत्ते, कीड़ा खाया हुआ उसे निकाल देते हैं। अब चलिए इसे बारीक काट लेते हैं। इसे मैं धो के काट रही हूँ। कीड़ा खाया हुआ पत्ता निकाल देते हैं और इसका ये देख रहे हैं, मतलब मूली से अटैच जो था वो भाग हम निकाल दिए और इसे पत्ता को बीच में काट लिया और इसे बारीक काट लेंगे। कुछ इस तरह से देख सकते हैं, इसी तरह से पूरा मूली के पत्ते को काट लेंगे। जितना बारीक काट सकते हैं उतना ही बारीक काटना है इसको। देख सकते हैं पत्ता के सही डंठल को भी काटेंगे, डंठल को भी फेंकेंगे नहीं। इसी तरह से सारे पत्ते को काट लेंगे, साथ में एक मूली को भी काट लेते हैं। इसे भी बारीक काटेंगे। एक ही मूली को काट रहे हैं, बाकी साग सारा ही है। देख सकते हैं इस तरह से काट रहे हैं, देख लीजिए काट लिए मूली और प्लस पत्ता को भी काट लिए, सारे पत्ते को काट लिए, एक ठों मूली को काटे हैं। चलिए यहाँ कढ़ाई चढ़ा दिए गैस पे, कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। उसके बाद 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे, फिर मिर्चा 2 मिर्चा बारीक काट लिए और डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से चटकने देते हैं। उसके बाद डाल देंगे जो साग काटे थे उसे डाल दिए। इसे चला लेते हैं, फिर इसको ढक देंगे ताकि अपना पानी छोड़े मूली, और उसी पानी से इसको सिझाना है, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। देख सकते हैं क्या मूली थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ने लगा है। इसी वक्त डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि गल के थोड़ा सा हो जाएगा, और एकदम एक पिंच हल्दी डाल देंगे। अच्छी तरह से चला लेते हैं। फिर इसे ढक देते हैं ढक्कन से। चलिए चेक कर लेते, 5 मिनट हो गया। देख सकते हैं पानी मतलब थोड़ा थोड़ा सूख भी गया है, देख सकते हैं। अब इसको इस तरह से चलाएंगे कुछ देर, जैसे मतलब मैसते हुए जितना पानी है पत्ता का वो रिलीज हो जाए अच्छी तरह से। अब इसको ढकेंगे नहीं, इसी तरह चलाते हुए सारे पानी को सुखा लेना है। देख सकते हैं पूरा पानी सूख गया, लेकिन अभी इसको और भूंजेंगे। देख सकते हैं एकदम खिला खिला बना है, इसलिए बना कि इसमें पत्ता पत्ता के साथ साथ ना डंठल डालें इसलिए।
अगर पत्ता डालते सिर्फ तो पत्ता एक जगह मतलब गुच्छा जैसा हो जाता, और डंठल डालने से पूरा पत्ता को मतलब चिपकने नहीं दे रहा है डंठल, इसलिए डंठल भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। देखिए भूंज गया है ये सब अच्छी तरह से, देख सकते हैं रेडी हो गया, बहुत जल्दी बन जाता है ये सब और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, और अच्छा लगे तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब इसे गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा पूरा कवर नहीं करेंगे, जो थोड़ा बहुत पानी है वो इस तरह से बाहर उड़ जाएगा, देख सकते हैं। एक बार चला कर दिखा दे रहे, देखिए सारा पानी सूख गया और अच्छी तरह से तैयार हो गया ये साग। इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में, आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, हम लोग ज़्यादातर इसे चावल के साथ लेते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। अब इसको मूली के कुछ पीसे से डेकोरेट कर देंगे, चलिए इसे डेकोरेट करते हैं। पहले इसे बराबर से रख लेते हैं, एक बराबर कर लेते हैं साग को, एक बार इस रेसिपी के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे डेकोरेशन कर देते हैं मूली के कुछ पीसेस से, बस ये रेडी है। इसे बनाइए खाइए, मिलते हैं इसी तरह और वीडियो से, तब तक बाय बाय।